नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको पूरी खबर विस्तार समझाएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर, साथ ही हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही, इस समय देश की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा बड़े शहर लखनऊ और प्रयागराज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मुझे नहीं लगता था कि इस समय, इस जो महामारी जैसे वक्त में भी कुछ लोग, कुछ दलाल, कुछ ठेकेदार अपनी ठेकेदारी करना बंद नहीं करेंगे। हमने सोचा था कि इस समय हर व्यक्ति, हर एक दूसरे व्यक्ति का सहारा बन रहा है, पर साथियों ये सोच हमारी गलत थी। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि वो आज भी जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनकी लाश शमशान घाट तक आ गई है, पर उनसे उनसे परिवार वालों से भी पैसा वसूलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इस समय हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे की मदद करना चाहता है, पर इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। अपनी इंसानियत जो उनके अंदर जमीर था वो मर चुका है। साथ ही इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोविड-19 जैसी महामारी से देश की जनता, प्रदेश की जनता, शहरों की जनता, प्रयागराज व लखनऊ की जनता तराई तराई है। उनके दिल में और दिमाग में एक बहम बैठ चुका है जो कि कोविड-19 का बहम है। उनको ये नहीं पता, अगर आज हमको ये कुछ हो जाए, ये बीमारी अगर हमको लग जाए, कोरोना वायरस जैसी हो जाए, तो हमें जलाने के लिए जगह होगी या नहीं। क्योंकि देश की हालत, प्रदेश की हालत, शहरों की हालत क्या है, शहर के शमशान घाटों की हालत किसी से छुपी नहीं है। ना तो वो आपसे छुपी है, ना मेरे से छुपी है। साथ ही इसी बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है, मुझे नहीं पता कि आपको किसी ने ये खबर बताई होगी या नहीं, पर हमारा फर्ज है, हम आपको सच्चाई दिखाते हैं। हम आपको हर बड़ी, हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। News24 ने एक ट्वीट किया है थोड़ी ही देर पहले, उसमें क्या कुछ लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जब उस हम आपको पढ़कर सुनाएंगे जो उन्होंने लिखा है, और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, और जिस तरीके से उस वीडियो, जो वीडियो शेयर किए उस वीडियो में हुआ है, उस वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। साथियों जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, News24 ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बोला कि प्रयागराज में शमशान घाटों पर भी कालाबाजारी बंद नहीं हो रही है। यानी कि प्रयागराज के शमशान घाटों में भी आज भी, इस वक्त में भी, इस नाजुक हालातों में भी, प्रदेश की नाजुक हालात है, हर एक व्यक्ति की नाजुक हालात है, और इस समय में भी कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, इस ट्वीट का साफ साफ मतलब है। साथियों News24 ने एक वीडियो शेयर किया, उस वीडियो में शेयर करते हुए उस वीडियो में ऊपर लिखा है कि सब जलाने के नाम पर परिजनों से 22,000 रुपये मांगने पर लोगों का गुस्सा फूट चुका है। यानी कि जो जो शमशान घाट के जो व्यक्ति होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं प्रयागराज के, जो शमशान घाट का जो ठेकेदार होगा, जो भी होगा, मैं नहीं कहूँगा कौन है कौन नहीं, पर साथ ही उस व्यक्ति पर 22,000 रुपये लेने का आरोप लगा है। वो किसी लिए लगाए, वो इसीलिए लगाए कि परिजनों के किसी एक सदस्य की डेथ हो जाती है कोविड-19 कोरोना महामारी से, जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पर वो जो शमशान घाट में जब लेकर पहुँचते हैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, मुझे नहीं पता कौन परिवार है कौन सदस्य है, पर साथ में वीडियो सब कुछ हकीकत बयां करती है। वीडियो आप देखिए, वीडियो में किस तरीके से पीड़ित परिवार के परिजन किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं, उनके दिल की आवाज़ सुनिए, उनके दिमाग की आवाज़ सुनिए, किस तरीके से उनके अंदर दर्द झलकेगा वीडियो में बात करते हुए। साथियों आप वीडियो देखिए। बुझ गई पूरा भाई, मैं इसे कह रहा हूँ तो कह रहा है कि लीजिए पैसा, आप खुद जला लीजिए। ये कोई जवाब है? ये जवाब है, बताइए। मेरे सामने जो है बुझ गई, अब खुद जो है जब हम लोग अपने से जला रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप जला लो। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। यहाँ पर कहना गंगा मैया पहले हमारे पैसे कर रहे हैं। नहीं नहीं पैसे कर रहे हैं, चलाएंगे जब खुद चला रहे हैं तो क्यों बोल रहे हो आप? खुद चलाइए। 22,000 रुपए का आपने डिमांड कैसे किया? 22,000 की डिमांड आपने कैसे किया? मैं उसी चीज का उधार से जानकारी चाहता हूँ। या तो मेरी माँ की लाश चलवाइए या तो 22,000 रुपए आप मत लीजिए। बता दिया हूँ मैं, चलो 22,000 की बात नहीं है, 22,500 जो आपका क्लेम है सौ आप लीजिए। मैं ये प्रशासन को बताऊंगा, मैं प्रशासन को बता दूंगा, ठीक है ना? पूरा प्रशासन मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, आप इसको नहीं रोक सकते। ये लाइव है, लाइव, ये लाइव है, आदमी देख रहा है, इस बात ये लाइव।
नहीं भाई, इस वक्त देख रहा है आदमी। मेरी माँ और आपकी माँ है, बता रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर को बॉर्डर पर बैठे हैं। जब आप बोले कि खुद जलाइए तो जला रहे हैं, तो आप क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो आप? जब आप खुद बोले कि जला लीजिए तो क्यों रोक रहे हो आप? हम हाई कोर्ट के हाथ में हैं, तुमको ये पता नहीं है? हमारे कारगिल का हमारे बात कितना सेवा करके पड़ती है। जम्मू में मजाक कर रहे हो, पैसा लिए हो, पैसा वापस करोगे? ठेका लिए हो, ठेकेदार बने हो? 22,000 रुपए मांगा है इसने, 22,000 रुपए मांगा है। 22,000 रुपए कैसे मांगा है? साथियों, आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से कुछ लोग आज भी इस ऐसे हालात में, ऐसे समय में भी, इस वक्त में हर एक व्यक्ति को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, पर कुछ व्यक्ति इंसानियत भूल गए हैं और उनको सिर्फ पैसे का लालच है। इस समय बहुत ही ज़्यादा समय खराब चल रहा है और कोई किसी का पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, क्योंकि ऐसा जो वायरस फैला हुआ है देश में वो कभी नहीं फैला। इससे देश की जनता, प्रदेश की जनता त्राही त्राही है, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। पर साथियों, कुछ लोगों को पैसे से प्यार है, ना कि इंसान से। वो 22,000 रुपये मांगते हैं सब जलाने की। तो साथियों, ऐसी छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों के बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट में अपनी राय दें। इनकी सोच आकर कब बदलेगी? आज भी नहीं बदली तो आकर कब बदलेगी? ये सब आप कमेंट में राय दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। News24 ने ये सबसे पहले वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की। हमने आपके बीच हकीकत रूबरू रखी, क्या कुछ था पूरा मामला, सब कुछ दिखाया। आप इस खबर पर क्या सोचते हो कमेंट में आए दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर देखने के लिए बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। मजबूत होना है। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय